हेलो पूजा जी, कैसी हो आप? जी बहुत अच्छी हूँ, आप कौन? मैं अमन बोल रहा हूँ। अमन? कौन अमन? अरे आपको याद आया, मैं आपसे मिला था। हम लोग कोर्ट में जाके शादी करने वाले थे। हाँ पूजा, चाचा जी सही कह रहे, वो लड़का एक नंबर का कमीना है। उसने मेरी बहन के साथ शादी का नाटक किया और उसे धोखा दे के भाग गया। और जिस दिन मैं तुझे उसकी सच्चाई बताने वाली थी, उसी दिन उसने मेरा एक्सीडेंट करा दिया। और चाचा जी बता रहे वो तेरे साथ भी प्यार का नाटक कर रहा है। प्लीज पूजा, उससे दूर रहना, वो एक नंबर का कमीना लड़का है। वो जितना भोला दिखता है ना, उतना भोला है नहीं। वो सबसे ज्यादा धोखेबाज लड़का है, और तू जितना दूर रहेगी उससे उतना तेरे लिए सेफ है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कॉल करने की? हाँ, तुम्हें फिर से मुझे धोखा देना है? अब क्या करने आए हो तुम? पूजा जी, मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। प्लीज पूजा जी, मुझसे मिल लीजिए एक बार। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझसे बात करिए एक बार आके। प्लीज पूजा जी, मैं आपके घर के बाहर ही खड़ा हूँ। मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ पूजा जी। सुनो, तुम्हें जो करना है करो, जहाँ खड़े रहना है खड़े रहो। मुझे तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। रखो फोन। अब क्या करने आया है यहाँ? इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे कॉल करने की? I love you. कहीं सच में वो बाहर तो नहीं खड़ा है? की हिम्मत कैसे हुई यहाँ दोबारा आने की? क्या समझाना चाहता है, क्या बोलना चाहता है? मुझे तो लगता है मुझे फिर से बहलाने फुसलाने आया है। लेकिन मैं ऐसे लड़कों को अच्छे से जान गई हूँ, अब मैं इसकी बातों में नहीं आऊंगी। तुम मेरे दिल में बस गए, तुम्हारी अच्छाइयाँ मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, तुम बातें भी बहुत अच्छी करते हो, इसलिए मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार वाली फीलिंग आ गई। एक दिन ये घर पे आया था और पापा ने इसे बदतमीजी से बात करके घर से भगा दिया। हम लोग एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते हैं। मुझे जान के अच्छा लगा कि तुम भी मुझे प्यार करते हो। भूलकर जाने वाली बात क्यों कर रहे हो? हम तो अभी मिले हैं। तो इतने अच्छे लगते हो। आखिर चाहता क्या है मुझसे? ये बोलना क्या चाह रहा था? इसने मुझे समझ क्या रखा है? ये धोखेबाज लड़का
शायद अभी भी खड़ा हो। मुझे उससे मिलना चाहिए। देखो तो उसके दिल में है क्या, वो कहना क्या चाहता है। पूजा जी, मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। बोलो जो बोलना है, मेरे पास टाइम नहीं है। मैं भी क्या लगा रखा है, हाँ? बोलो क्या बोलना है। वैसे तो मैं तुम्हारी सारी स्टोरी जानती हूँ, अब क्या नई स्टोरी सुनाने आया हो तुम? पूजा जी, जो कुछ भी हुआ उसके पीछे मेरा हाथ नहीं था, मुझसे जानबूझकर ये काम करवाया जा रहा था। जिस आदमी के साथ मैं काम करता हूँ वो मुझे पैसे देता था और उसी की वजह से मैं आपसे मिलने आया हूँ। लेकिन पूजा जी, मैं क्या लगा रखा है, हाँ? जल्दी बोलो जो बोलना है। पूजा जी, आप पुरानी बातें भूल जाइए, मेरा कोई इरादा नहीं था आपको चोट पहुँचाना। मैं सुधर गया हूँ, मैं सारे वो गलत काम छोड़ रखे हैं, अब सिर्फ गरीबों की देखभाल करता हूँ। मेरा कोई इरादा नहीं था आपको चोट पहुँचाना, और ये बात बिल्कुल सच है कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, सिर्फ आप ही हो मेरे लिए, बस और कोई नहीं। पूजा जी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। प्यार करते हो मुझसे? तो करते रहो, मुझसे तो बहुत लोग प्यार करते हैं, पर मैं किससे प्यार करती हूँ वो इम्पोर्टेंट है। तुम्हें शर्म नहीं आती, हाँ? इस तरह के काम करते हुए मुझे धोखा देते हुए तुम दोबारा चले आए मुझे धोखा देने। पहली बार तुमने मुझे धोखा दिया, बहलाया फुसलाया, अपने प्यार में डाला, हाँ? मेरे माँ बाप के खिलाफ मुझे भड़काया, मैं तुम्हें गलत समझती रही, तुम्हें सही समझती रही। मैं तुम जैसे लड़कों को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। चले जाओ यहाँ से, मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, मैं तुम्हारी शक्ल देखना ही नहीं चाहती हूँ। मुझे मिलने की कोशिश मत करना, और अगर मुझे फोन किया तो पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगी तुम्हारी, वरना अपने चाचा से बता दूंगी, मैं 2 मिनट में अंदर कर देंगे। जा यहां से, तुम जैसे धोखेबाज लड़कों से कोई बात नहीं करना चाहता। चलो निकलो यहां से, और मुझसे मिलने की दोबारा कोशिश मत करना। पूजा, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं, और ये बात मैं साबित करके रहूंगा, ये वादा है मेरा।